मुंबई में बज चुका है चुनावी बिगुल और मैं इस वक्त हूँ उत्तर मुंबई में। और आप अब यहाँ पर देखिए जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीयूष गोयल, आज उनका जो है यहाँ पर जो चुनावी कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया है। पीयूष गोयल का सबसे पहले नाम यहाँ पर आया था और उसी के बाद यहाँ पर उद्घाटन भी हुआ है। मैडम आज से यहाँ पर चुनावी बिगुल बजा दिया, आप लोगों ने चुनावी कार्यालय भी बन गया, किस तरह से समर्थन हो रहा है बीजेपी का या फिर जोरों से समर्थन हो रहा है और जो भी होगा सब जोरों शोरों से होगा। पीयूष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीयूष जी यहाँ पर आए हैं पहली बार चुनाव लड़ने के लिए, किस तरह से आप लोग उनके साथ हैं? बहुत, हम लोग डट के साथ रहेंगे। गाड़ी आई, गाड़ी 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 400 पार 400 पार। आप क्या कहेंगे अब की बार 400 पार? और भी देखिए कि मैं और भी लोगों से बातचीत करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कार्यालय सजा है, ये मुंबई का पहला ऐसा चुनावी कार्यालय होगा जो अभी इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचे और भी मैडम। मैडम क्या कहेंगी पीयूष गोयल के लिए, किस तरह से लड़ा रही है, जिता रही है? पीयूष गोयल एकदम गोल्ड मेडलिस्ट है, एकदम इंटेलिजेंट पर्सन है और उत्तर मुंबई के लिए एकदम फिट बैठते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार, से मोदी सरकार अब की बार 400 पार। आप क्या कहेंगे मैडम? अब की बार 400 पार फिर आएगी मोदी सरकार। पीयूष गोयल के लिए क्या कहेंगे? पीयूष गोयल आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पीयूष गोयल आगे, तो इस तरह से ये कार्यकर्ताओं में जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर उनमें उत्साह देख रहे हैं। और आपको बताऊं कि मुंबई, उत्तर मुंबई के जो सीट है यहाँ पे बीजेपी ने बहुत पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का जो है घोषणा कर दी थी, लेकिन जो एमवीए है उसने यहाँ पे कांग्रेस को ये सीट मिली है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी को भी चुनावी प्रत्याशी नहीं बनाया गया, लेकिन जो उत्तर मुंबई की सीट है ये कांग्रेस के हिस्से में आई है। मैडम पीयूष गोयल तो लड़ने के लिए तैयार हो गए, एमबीए की जो सीट है यहाँ पे कांग्रेस को दी गई वो अभी तक जो है अपने प्रत्याशी का नामकरण भी नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? मोटरसाइकिल बाइक क्या कहेंगे आप, अभी एमबीए ने यहाँ पर उत्तर प्रत्याशी उतारा ही नहीं है? बस पीयूष गोयल का इतना नाम गूंज गया है कि बाकी सब पार्टी डर रही है, उनको मालूम है ये बीजेपी का गढ़ है और इसके पीयूष गोयल जी के आगे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। गोपाल शेट्टी जी ने इतना काम किया है, अब पीयूष गोयल का भी विजन इतना स्ट्रांग है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उनके क्या एजेंडाज है, तो बाकी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़े करने में थोड़ी सी हिचक हो रही है। बीजेपी का गढ़ होने के साथ है, सब बीजेपी के साथ ही है। भारतीय जनता पार्टी जी कार्यालय उत्तर मुंबई में जो है कोई नहीं है, चक्कर में पीयूष गोयल जी जो है सबसे आगे निकल रहे हैं। और यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ टिकने वाला नहीं है। ये उत्साह है यहाँ के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता हैं। और इसी के साथ उत्तर मुंबई में बजा है बिगुल, यहाँ पर चुनावी कार्यालय बनाया गया है और अब दिख रहा है कि वास्तव में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और मुंबई में इसकी जो माहौल है वो देखने को मिला है आज उत्तर मुंबई से। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज मुंबई।